बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में ना। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा लगा आपको अज़ान की आवाज़ सुन के? तो अज़ान की आवाज़ सुन के तो अच्छा ही लगता है ना। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि जब ये मैं क्लिप ले रही थी तो मगरिब की अज़ान हो रही थी, तो फिर मैंने इसको वीडियो में रहने दिया। और साउंड थोड़ा सा कम है क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने इसको एडिट नहीं किया। तो ये वही शाम का टाइम और वही रूटीन। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि बटर चिकन बनाया जाए, तो आज मैं खाना बनाने थोड़ी सी लेट लगी थी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं असर के बाद ही लग जाती हूँ, तो मगरिब तक मेरा खाना बन जाता है। लेकिन आज ये सब कुछ मैंने मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ था, सब्ज़ियाँ कट वट करके रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आराम से बनाऊँगी। तो ये बना रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला ना बटर चिकन, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही ईजी सी इसकी रेसिपी है। और अगर आपने चिकन पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है ना, तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है बनाना। तो मैंने बस कल ही चिकन में ना तंदूरी मसाला शान का लगाया था और दही बस लगा के ना उसको रात को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, और ये और आसान हो गया मेरे लिए। तो अब बस ये जो मसाले हैं इसमें क्या है, इसमें है प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, काजू, हरी मिर्च और हरा धनिया, तो भाई मस्ट है इसमें। तो मैं इसमें हरा धनिया ज़रूर डालती हूँ। तो मैं ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने सारा सामान लिया है। आप जितनी ग्रेवी रखें ना, तो उसके हिसाब से ले लिए। मैंने तो चार प्याज ली थी और 3 से 4 टमाटर लिए थे, 2-3 हरी मिर्च ली थी, थोड़ा सा लहसुन लिया था और थोड़ी सी अदरक ली थी और थोड़ा सा हरा धनिया लिया था। इन सब को ना डाल के आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें इसको डाल देना है और इसको कर लेना है सॉफ़्ट। तो बस जब ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। तो इसकी प्यूरी बना लेनी है। इधर हमारा चिकन ये जो मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, वो तो बस पक ही रहा है साथ साथ, तो बस बन जाएगी इसकी ग्रेवी और चिकन। और इधर मतलब हमेशा की तरह एक नॉन वेज और एक वेज डिश जो बननी ही बननी है मेरे यहाँ, तो इधर बन रही है मूंग की दाल मेथी का साग। तो बहुत ज़बरदस्त बनता है ये भी, तो मटर चिकन और मूंग की दाल मेथी का साग। तो सबकी फरमाइश का ध्यान रखना पड़ता है, सबकी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को खाना था बटर चिकन और हस्बैंड को खाना होता है एक वेज भी उनके साथ, मतलब नॉन वेज के साथ ना वेज भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें ना वो मिक्स करके खाते हैं, मतलब नॉन वेज ज़्यादा नहीं खाते, तो वेज भी होना चाहिए और सुबह का ऑफिस का भी रहता है, तो फिर दो चीज़ें तो बननी है लाजमी डिनर में। तो बस यही ज़िंदगी है कि डिनर, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, मतलब ऐसे घूमती रहती है ना ज़िंदगी, ख़ास तौर से एक होम मेकर की। होम मेकर मतलब कितना प्यारा लगता है ना सुनने में ये वर्ड, मतलब होम मेकर कितना प्यारा सा स्वीट सा वर्ड है। वैसे भी किसी मुश्किल से काम को ना और मुश्किल से वर्ड को अगर इंग्लिश में बोल दो तो वो अच्छा ही लगने लगता है। तो वैसे ये वर्ड है होम मेकर, जो कि बहुत अच्छा साउंड करता है सुनने में, लेकिन अगर इसका सही मतलब निकाला जाए और सही से इसको देखा जाए ना, तो इसका मतलब है सिर्फ जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां और जिम्मेदारियां। लोगों को बड़ी आसान लगती है किसी एक होम मेकर की ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, तो आसान नहीं होता। आप अगर उसको सही वे में लेंगे ना, तो वो बिल्कुल आसान नहीं है अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए और सही से पूरा करते हुए ना, तो बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ों को लेकर चलना। कि आप इस मुश्किल काम को आसान कैसे बना सकती हैं, मतलब कि आप एक अच्छी होम मेकर कैसे बन सकती हैं, हाउ टू बिकम अ बेटर होम मेकर। तो मेरी नज़र में तो बेटर होम मेकर बनना और होना बस एक ही चीज़ है, कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी तवक्को के, बिना किसी रिवॉर्ड को चाहते हुए, कि जो आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए, उसका कोई आपको रिवॉर्ड दे, चाहे बच्चे, चाहे वो शौहर, चाहे मतलब कोई भी एक्स वाई जेड, आपके इन लॉज और कोई भी, तो बिना उस रिवॉर्ड की चाहत रखे उन सारी जिम्मेदारियों को मतलब खुश होकर निभा लिया जाए ना, तो वो है एक बेटर होम मेकर और एक बेटर हाउस वाइफ, मुझे ऐसा लगता है। और जो कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हम सब इतना सारा काम करते हैं ना सबके लिए, अपने लिए भूल के बाकी सबके लिए ना, तो एक रिवॉर्ड की चाहत दिल में रहती है हमेशा, और जब वो नहीं मिलता थोड़ा सा दिल भी दुखता है, थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन वही नहीं करना है हमें, नहीं वो थोड़ा सा दिल दुखाना है, ना ही थोड़ा सा बुरा मानना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारी जिम्मेदारियां तो हमारे अल्लाह ने हमें दी है ना, हमें इस लायक समझा, हमें इतना खुश नसीब बनाया कि हमें ये घर, ये बच्चे, ये शौहर, उनकी ये जिम्मेदारियाँ, उनके ये काम हमें दिए। तो बस उसको, उन जिम्मेदारियों को खुश होकर पूरा करें ना, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने दी है, ये किसी का काम नहीं है, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ काम है और इसका रिवॉर्ड भी हमें वहीं से मिलेगा। तो और मिलता भी है, आप जब सारी कामों को अपने अच्छे से करते हैं तो अल्लाह ताला आपको सारी चीज़ों से नवाजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
नज़र में तो बेटर होम मेकर बनने की ना सिंपल सी एक टिप है कि अपनी जिम्मेदारियों को आप खुशी से पूरा करते जाएं और अच्छे से पूरा करते जाएं, और उसके रिवॉर्ड की तवक्को ना किसी इंसान से ना करके सिर्फ अपने अल्लाह से रखें, क्योंकि वो जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला की दी हुई हैं और आपको पूरी करनी ही करनी है। और रिवॉर्ड की परवाह तो बस बच्चे करते हैं, क्योंकि जब बच्चों को मार्केट जाओ ना छोड़ के और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए तो बच्चों के लिए फिर कुछ लाना ही पड़ता है, तो वो उनका रिवॉर्ड होता है सब्र करने का कि अम्मा गई हैं बाज़ार तो कुछ ना कुछ लेके आई। तो बच्चों के लिए बस ऐसी जब मैं गई थी लोगों को छोड़ के ना, तो मतलब हमारा भी यही होता था जब मम्मी कहीं जाती थी ना मार्केट और हम लोगों को छोड़ के जाती थी, तो हम कहते थे मम्मी कुछ लेके आइएगा, तो वो कुछ कुछ भी अटरम सटरम हो सकता है, कुछ से देख के ना बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि फिर भूल ही जाते हैं कि कितनी देर से मैं बाज़ार गई हुई थी, और मतलब सारे अपने गम भूल जाते हैं। और अब बच्चे बस इसमें लगे हुए हैं, और ये था बस मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, मेरे दिमाग में चल रही थी ये बातें तो मैंने बना लिया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। अब मुलाकात होगी एक और अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।